दादी बैठी हुई है, बेटी पूरा बर्तन साफ कर रही है, मां सफाई कर रही है, पिता ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बेटा सोनू बाहर खेलने गया है। अरे कोई मुझे चाय ला कर देगा? सुबह से तो बाहर होने आई है, अभी तक किसी ने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। कहां चल रहे तुम सब के सब लोग? हां पूना, बेटा पूना आदी के लिए चाय लाना। लीजिए माजी। माजी मुझे स्कूल फीस के लिए 200 रुपए चाहिए। दीजिए ना। फीस के लिए पैसे? क्या करेगी कलेक्टर? हाँ पैसे भी तुझे सारी जिंदगी घर का काम तो करना है। जा जाके बैठ जा। बेटी पूना चुपचाप जाकर काम करने लग जाती है। पिता आकर दादी के पांव छूते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा आराम से जाना। माँ बेटे सोनू को पुकारती है। सोनू बेटा सोनू कहाँ है तू? स्कूल के लिए देर हो रही है। लो माँ मैं आ गया। वो खेलने भी नहीं देते मुझे। आज स्कूल नहीं जाना क्या? आज तो स्कूल की छुट्टी है। अच्छा ठीक है। सोनू दादी के पास जाता है। दादी दादी मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे पार्टी करनी है। अरे ले बेटे तू 500 क्या? तू तो 1000 है, खुद भी खा और अपने दोस्तों को भी खिला। जा आज तो पार्टी होगी, पार्टी होगी, पार्टी। दूसरा दृश्य। दो सालों के बाद एक एक्सीडेंट में पूनम और सोनू के पिता की मृत्यु हो जाती है। दादी बैठी हुई है, पूनम माँ के पास जाती है। माँ माँ मुझे भी पढ़ना है, मैं भी भैया के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे स्कूल में दाखिले की बात तेरी दादी से अभी कर दूंगी। माँ दादी जी से बात करने जाती है। माजी प्रणाम। माजी पूना मुझसे कह रही थी कि उसे स्कूल जाना है, आप उसका दाखिला सोनू के स्कूल में करा दो। दाखिला स्कूल? क्या मैंने क्यों पढ़ेगा? हाँ पैसे तो इतने रुपए को ही ना लगते हैं। तुम दोनों माँ बेटियों ने तो मेरे नाम में दम करके रखा है। रोज का रोज यही ड्रामा है। आज तो तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल लेती हूँ। चलो निकल मेरे घर से। निकलो अब आना मत। तीसरा दर्श। कुछ सालों के बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। टिंग टिंग सोनू दरवाजा खोलने जाता है। टिंग टॉंग। अरे तुम कैसे हो? कैसे हो सोनू भाई? घर पर सब ठीक है? अरे मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। क्यों भाई क्यों परेशान हो? अरे वो गुड़िया है ना, कभी पानी मांगती है, कभी चाय मांगती है, कभी हॉस्पिटल भी लेके जा। क्या पता कब मरेगी, कब मेरा नीचा छूटेगा उससे। कोई बात नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो हम चलते। सोनू के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। सोनू दरवाजा बंद करके अंदर आता है, तभी सोनू की दादी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अरे अब क्या हुआ? अब इनको हॉस्पिटल लेके जा, बस यही काम रह गया ना मेरे पास। मैं जा रहा हूँ भागते दो। दादी बेहोश हो जाती है। सोनू घर से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू का दोस्त सोनू से मिलने आता है। टिंग टॉंग। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला हुआ है। सोनू सोनू भाई कहाँ है तू? दादी जी, दादी जी क्या हुआ आपको? दादी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ दादी जी को। सोनू का दोस्त दादी जी को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए डॉक्टर आती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं पूनम ही है। पूनम दादी माँ को पहचान लेती है। अरे दादी जी आप
पहनी है। अरे कलूजी तू फिर मेरे पीछे करके मर गई दुनिया जिंदा हो यही देखने आई हो ना? तू तो सो तो बेटी मुझे चैन से जीने तो दिया नहीं। माजी जिस पोती को आपने पढ़ने नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया आज उसी पोती ने डॉक्टर बनके आपकी जान बचाई। अरे बेटी मैं तो समझती थी कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं, पर मेरी पोती ने क्या दिखाया कि लड़कियां भी बड़े होकर अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। चलो बेटी अब हम घर चलते हैं, आज से हम साथ में रहेंगे। तो देखा आप सब लोगों ने कैसे एक बेटी ने पढ़ लिख कर अपने घर का नाम रोशन किया और डॉक्टर बनकर अपनी दादी की जान बचाई। मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगी कि बेटियों को खूब पढ़ाओ, लड़का और लड़की में कभी फर्क ना करो। वो चिड़िया नहीं है रुकने वाली जिसको कैद करके रखा, इरादे उसके है अटूट, मन में है उड़ने का सपना, चाहे वो कितनी भी बाधा ना बदलेगा उसका इरादा। आओ हम भी कदम बढ़ाए उस चिड़िया को आजाद कराए।